फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, और एक बार फिर से बात करते हैं तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया कि किस तरीके की मूवी थी, इसके पार्ट टू में क्या होगा, और पार्ट वन का जो एंडिंग था उसका मतलब क्या है। क्योंकि जब आप एंड में, जिन लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ ये वीडियो ना देखें, क्योंकि थोड़े स्पॉयलर हो सकते हैं। और जिन लोगों ने देख लिया है वो इसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उनके लिए डिस्कशन है। जब एंड में जाह्नवी कपूर आती है तो उसका क्या मतलब है, और जब सिफ़रा थोड़ी सी जेलस फील करती है एंड के अंदर, क्या उसका कोई मतलब भी है कि नहीं है, कि बस वो ऐसे ही दिखाया और टू बी कंटिन्यूड कर दिया। पहले तो जिस तरीके की ये डायरेक्शन है, इसमें एक बहुत ख़ास बात है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाउ द रोबोट्स ऑफ टुमारो विल बिहेव एंड ऑलमोस्ट लुक लाइक अ ह्यूमन जिसको बोला जाता है, वो बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से यहाँ पर बताया गया है। जेम्स कैमरन भी इस तरीके के डायरेक्टर थे जिन्होंने ये चीज़ अचीव कर पाए थे टर्मिनेटर के साथ। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको नॉर्मल आदमी में चलता हुआ एक रोबोट भी दिख जाता था, तो यहाँ पर भी उसी तरीके का अटेम्प्ट किया गया है। ऑफकोर्स क्योंकि आज के हिसाब से बहुत से लोग उसको रिलेट नहीं कर पा रहे हैं कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या, बट ये बहुत जल्दी होने वाला है। और जिनको ये पता नहीं है कि ये जल्दी होने वाला है, वो यही बोलेंगे यार मेरे को तो ये इमोशन नहीं जागी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो मेरे समझ के हिसाब से हाउ रोबोट्स विल बिहेव, हाउ फार दे विल गो टू अंडरस्टैंड द इमोशंस, हाउ फार दे विल बी अंडरस्टैंड एंड इक्वेट द मीनिंग ऑफ डिफरेंट वर्ड्स एज वन, के मतलब झकास का मतलब और वाओ का मतलब सेम है फॉर एग्जांपल। तो ये सारी जो बातें हैं ये बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर सिंप्लीफाइड तरीके से बताई गई है। तो मैं राइटिंग का बहुत ज़्यादा फ़ैन हो गया है यहाँ पर। अब मुझे ओवरऑल बेसिस पे एक्टिंग बहुत कमाल की लगी यहाँ पर। मुझे शाहिद कपूर बहुत ही यंग और डायनामिक लगे, लग ही नहीं रहा है कि ये इंसान अर्ली 40s में जा चुका है, ये अभी भी वो 30 साल का लौंडा ही लग रहा है बिल्कुल ही। तो बहुत अच्छी बात है। और कृति सैनन और बेटर हो सकता था, लेकिन बट शी इज़ ऑल्सो डन अ वेरी गुड जॉब। बाकी धर्मेंद्र को देखे हुए मुझे बहुत अच्छा लगा था। अब मुद्दा ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत कुछ चीज़ें ऐसे सीडिंग की जा सकती हैं जिससे आपके बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। अब ये एक इमोशन भी डेवलप करी जा सकती है। देखो, एक होता है IQ, ठीक है, और एक होता है EQ, इमोशनल क्वोशंट। IQ के ऊपर भी काम कर रही है साइंस, और इमोशनल क्वोशंट के ऊपर भी काम कर रही है कि कैसे ये दोनों को बैलेंस करके कोड किया जा सकता हो, ठीक है। और अगर इसके बारे में आपको रीड करना था तो थोड़ा गूगल भी कर सकते हैं। तो कैसे इस रोबोट के अंदर भी इमोशनल क्वोशंट आता है। अगर आपने लास्ट टर्मिनेटर देखी हो, जो बिल्कुल लास्ट फिफ्थ पार्ट था शायद, जिसके अंदर ये बुढ़े हो जाते हैं आर्नोल्ड, उसके अंदर भी वो जो मशीन है वो अपनी चॉइसेस लेने लग जाती है, और उसके बाद उसका भी इमोशनल क्वोशंट बढ़ जाता है। इसीलिए वो फैमिली का टेक केयर करने लग जाता है और अपने आप को जेनेसिस से, जो उसका मास्टर होता है, उससे काट देता है। तो बहुत बढ़िया वहाँ पर भी दिखाया गया था। ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ है कि जब तक आप उसके कंट्रोल के अंदर हैं, सिफ्रा जो मेन फ्रेम सोटू से के कंट्रोल के अंदर है, तब तक तो उसी की पेरिफेरी के अंदर चल रही थी। जैसे उसका मदरबोर्ड ख़राब हुआ तो फिर वो अपनी सुनने लग गई। तो प्रोज एंड कॉन्स तो होंगे ही आएगा। अब एंड का क्या मतलब है? एंड का मतलब ये है कि कुछ ऐसी कमांड्स थी जो उसने फुलफिल नहीं करी थी, जिसके चक्कर के अंदर वो आतंक मचाने लग गई, और उसके बाद उसने कुछ हैवॉक भी क्रिएट किया एंड के अंदर, आग वाग भी लगा दी, और उसको रीबूट ही एक किस्म का करना पड़ा, और सिफरा 2.0 बन गया वो। अब यहाँ पर डायरेक्टर साहब ने क्या छोड़ा है कि ये 2.0 का मतलब क्या, क्या ये कम्प्लीट रीबूट है और कम्प्लीट वाइट वॉश हो गया है, या फिर ये इस तरीके का हुआ है कि ओल्ड मेमोरीज भी कहीं ना कहीं आर्काइव में पड़ी हुई है, अब ये नई बनाएगी, ये क्या है सिस्टम। ये थोड़ा सा सस्पेंस के लिए रखा गया, जो कि बहुत अच्छा किया गया अगर आपको इसका पार्ट टू बनाना है। सेकेंडली, अगर आप देखें कि जिस तरीके से सिफरा की कॉन्वर्सेशन फर्स्ट टाइम हुई थी शाहिद कपूर के साथ, चाहे वो ब्लैक कॉफ़ी को लेके हो, चाहे वो कलर को लेके हो, ऑलमोस्ट उसी तरीके की कॉन्वर्सेशन जो थी वो जाह्नवी कपूर करती हैं। अब आप बोलोगे कि क्योंकि ये एक इम्पॉसिबल सी लव स्टोरी थी, और बहुत ही टाइम से आपको ऐसा लग सकता है कि इसका कोई फ्यूचर भी होगा कि नहीं होगा, क्या ये शाहिद कपूर और कृति सैनन की मिली भगत थी कि हम ऐसा कुछ करेंगे और फिर इसको एकदम परफेक्ट करके ब्लेंड कर देंगे, क्योंकि उसका दोस्त भी उसको बोलता है कि भाई ये इसके अंदर इमोशंस तो है नहीं, तो ये चाह रहा है कि भाई बिल्कुल इमोशंस आ जाएं, और ये एक नेक्स्ट लेवल का टेस्ट है विद जाह्नवी कपूर इन प्ले। या सेकेंडली ये भी हो सकता है कि जो सिफरा है उसने अपनी जो मेमोरी है वो और इंटेलिजेंट हो गई है, और उसने अपनी जो पास्ट मेमोरी है जिसमें लवी डबी है सारा कुछ, वो उसने संभाल के रखी है शाहिद कपूर वाली, और ऐसा प्रिटेंड कर रही है कि अब वो 2.0 हो गई है। अब एक और रोबोट आता है जो कि
जाह्नवी कपूर का रोबोट है इन ह्यूमन फॉर्मेट, और नेक्स्ट पार्ट में हमें ये दिखाया जाएगा कि किस तरीके से शी इज़ स्टिल इन लव, तो वो एतराज़ वाले जोन के अंदर ये मूवी चली जाएगी, जहाँ पर आप थोड़ा सा पहले कंफ्यूजन में छोड़ा जाएगा कि क्या ये 2.0 है या फिर ये 1.0 है, क्या ये एंटी हो जाएगी, और क्या जो रोबोट्स हैं उसके भी बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, जो कि आपने रोबो 1 के अंदर भी देखा था, जो रजनीकांत था जिनको ऐश्वर्या राय से मोहब्बत हो जाती है, तो वो भी वहाँ पर भी इमोशनल क्वेश्चन की ही ज़्यादा वहाँ पर बात होती है, तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। तीसरा, ऐसा भी हो सकता है कि ये सारा जो प्लानिंग है वो डिम्पल कपाड़िया का कैरेक्टर कर रहा है, ताकि ये प्लान्ड तरीके से और टेस्ट होते चले जाएं और एंड में पता चलेगा शी इज़ अ मैड साइंटिस्ट, और ये जो मैड साइंटिस्ट है इसने अलग अलग तरीके से ऑलमोस्ट ही अपने भांजे को यूज़ किया, ताकि यानी शाहिद कपूर को यूज़ किया ताकि वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट में खड़ी उतरे, तो ऐसे बड़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ निकल के आ सकती हैं। अब देखो, जो इस तरीके की मूवीज़ होती हैं जिसके एंडिंग एक तो ओपन होती है और जिसके पास इतना महासागर होता है बात करने का, वो मूवीज़ जो होती हैं वो मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी होती हैं। और जिस तरीके का लव का क्वेश्चन यहाँ पर दिखाया गया, अटैचमेंट जो दिखाई गई है, फैमिली अफेयर भी मिक्स कर दिया, कॉमेडी भी मिक्स कर दिया, और एंड में जान के आपको ओवर इमोशनल नहीं कर दिया कि यार अब ये रोबोट से इसका नाता ही टूट गया है, अब तो इसका हार्ट ब्रेक हो गया है, वो ऐसे जोन में जान के नहीं रखा गया, क्योंकि टू बी कंटिन्यूड विद द अदर गर्ल भी होगा, और अदर गर्ल और जेलेसी विद सिफ्रा और ये सब चीज़ें भी होने वाली हैं, तो उस सेंस में अगर मैं देखूं तो ये थोड़ा सा हैप्पी गो लकी टाइप की मूवी के जोन के अंदर जान के रखा गया है, तो वो मुझे अच्छा लगा। लेकिन हल्की फल्की शरारत भी लग रही है सिफ्रा की। अब फर्स्ट डे का जो कलेक्शन आया था वो करीबन 7 करोड़ रुपये आया था, जैसे मैंने आपको बोला, और लगभग लगभग 13-13.5 करोड़ रुपये का इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी आ गया। जब आज का दिन शुरू हुआ है तो मॉर्निंग शोज़ जो हैं वो कल के मुकाबले, फ्राइडे के मुकाबले बहुत बेटर ओपन हुए हैं। कल ओपन हुए थे 9:30 पे, आज ये 12:30 पे ओपन हुआ है, तो हम ऐसा इजीली कह सकते हैं कि डबल डिजिट में ही चला जाएगा। मुझे ये मूवी पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। हम बहुत बारी बोलते हैं कि यार हमें कुछ डिफरेंट दिखाओ, हमें कुछ नया दिखाओ, कुछ अगर रोमांस भी दिखाना है उसका नया मायना दिखाओ। जैसे एनिमल के अंदर हमने देखा कि भाई अगर हेट दिखानी है, आपको पोजेसिवनेस दिखानी है, अगर किसी के साथ अटैचमेंट दिखानी है, तो एक फादर सन भी रिलेशनशिप हो सकता है और अलग लेवल की ब्रुटैलिटी हो सकती है, तो आपको वो चीज़ें समझ में आनी शुरू हो गई, आप देखना शुरू हो गए। ऐसी फादर सन का रिलेशनशिप जो जवान में दिखाया था वो काफ़ी रिलेट किया लोगों से, और स्पेसिफिकली जो मोनोलॉग है वो काफ़ी ज़्यादा रिलेट किया कि हमें गवर्नमेंट कैसे चूज़ करनी चाहिए। यहाँ पर सेम चीज़ है, उसी तरीके का कुछ नया तरीके का दिखाने की कोशिश करी गई है कि आपका ये जो लव का एंगल है, क्योंकि वो ह्यूमंस हैं और ह्यूमंस किसी भी चीज़ से इंटरेक्ट जब करता है और वहाँ से अगर रिस्पांस आ जाता है तो आपकी जो अटैचमेंट लेवल है वो और ज़्यादा गहरी होती चली जाती है। हमारा DNA जो हमारा कोड होता है वो इसी तरीके से प्रोग्राम्ड है, वो भगवान ने किया, बट यहाँ पर दिखाया गया है कि इंसान भी इतना केपेबल हो गया है जो अल्टीमेटली ऐसा प्रोग्राम भी कोड कर पाएगा जो हमारे DNA से मिलता जुलता है। अभी शायद आपको मेरी बातें अजीब लग रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप गूगल करेंगे तो इसको बहुत साइंटिफिक तरीके से भी, आपको बहुत सारे समझदार लोग होंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और रोबोट्स रोबोटिक्स में क्या कुछ हो रहा है इसको मिला के, ह्यूमनॉइड्स भी बनेंगे इवेंचुअली, इसकी हाफ बॉडी ह्यूमंस की होगी और हाफ रोबोट्स की होगी टू दी एक्सटेंट। मैंने तो ऐसी डॉक्यूमेंट्री भी देखी है डिस्कवरी प्लस के अंदर, जिसके अंदर पीपल विल मेक अ चॉइस दैट एक काम करो, मेरे हाथ वैथ सब कुछ सही चल रहे हैं, मेरे पैर सही चल रहे हैं, इनको काट दो और मेरे को ना ये प्रोस्थेटिक्स वाले लगा दो जिसके अंदर ये AI और ये सब चीज़ें होंगी, मैं ऑलमोस्ट एक सुपर सोल्जर या सुपर ह्यूमन बीइंग बन जाऊंगा, ये भी काम चल रहे हैं। तो ये कल को होगा, कॉन्टम्पलेशन भी होंगी, ह्यूमन राइट्स वाली भी बातें होंगी, कैसे इसको मैनेज किया जाएगा, आर द ह्यूमंस रेडी टू काइंड ऑफ ब्रिंग इन अनदर रेस ऑफ नॉट ह्यूमन बट अनदर रेस सॉर्ट विच इज़ एज इंटेलिजेंट एज अस और मे बी मोर इंटेलिजेंट देन अस, तो वो सब चीज़ें होंगी। क्या इमोशंस इतने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे कि उसको डिकोड करना इतना मुश्किल है भगवान के अलावा, और वो हमारा विनिंग पैरामीटर होगा, क्योंकि इंटेलिजेंस और हाथ की स्ट्रेंथ और ये सब काम करने का तरीके से तो हम आगे मेरे ख्याल से निकल नहीं पाएंगे रोबोट से, सिर्फ EQ ही ऐसी चीज़ है जो शायद हमें आगे रखेगी, हमारी डिसीजन मेकिंग के लिए भी हेल्प करेगी, जो वाइजर होंगी ह्यूमन रेस के लिए, मुझे तो ऐसा लगता है। ठीक है, एक काम का कि फालतू हुई वाली मैंने काफ़ी बातें कर ली हैं, लेकिन इफ़ इट इज़ मेकिंग सेंस जस्ट गिव मी अ थम्स अप, एंड इफ यू न्यू टू द चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। 1 लाख तक पहुँचना है यार। बाय बाय।